Good morning, students. In the last class, we have discussed about the classification of organic components, and we have also discussed about the homologous series and functional group. Today, we are going to discuss about the nomenclature of organic compound. उसका हम basics पढ़ेंगे आज. Nomenclature करना exactly सीखेंगे नहीं, पर basics पढ़ेंगे, ठीक है? So जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके दो तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, दो सिस्टम्स होते हैं. एक होता है कॉमन नेम जिसको हम ट्रिवियल सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम विच इज़ मोर सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ नेमिंग, ठीक है? और ये आईयूपीएसी नेम हम एल्केन एल्काइन एल्कीन का पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड्स का भी पढ़ चुके हैं, है ना? पढ़े थे एल्डिहाइड में क्या लगाते थे हम, मेथेनल एथेनल ऐसा पढ़ते थे. कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे देते थे, मेथेनोइक एसिड एथेनोइक एसिड, है ना? तो ये सब हम आईयूपीएसी नेम पढ़ चुके हैं. जैसे एग्जाम्पल है SCHO, ठीक है? अगर आप देखोगे SCHO मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसका नाम क्या होगा अगर आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो इसका नाम होगा मेथेनल, ठीक है? सॉरी फॉर्मिक एसिड नहीं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं इसको. दिस इज द कॉमन नेम, ठीक है? हाँ, फॉर्मल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम एंड मेथेनल इज द आईयूपीएसी नेम, ठीक है? सिमिलरली आपने ये भी पढ़ा होगा CH3COOH, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड. हाँ, और अगर आईयूपीएसी का बोले तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथेनोइक एसिड. सो दिस इज द आईयूपीएसी नेम एंड दिस वन इज द कॉमन नेम, या फिर ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं इसको, ठीक है? सो इस तरीके से दो टाइप के सिस्टम हैं, कॉमन और आईयूपीएसी. अगर आप अपने बुक में देखें तो आपको एक टेबल मिलेगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट के कॉमन नेम भी हैं दिए हुए हैं, ठीक है? लाइक क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो क्या होता है, CHCl3, इट इज़ अ क्लोरोफॉर्म विच इज़ द कॉमन नेम. इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म. बट अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो इसका नाम होता है ट्राईक्लोरोमेथेन. क्या नाम होता है इसका, ट्राईक्लोरोमेथेन. आप देखो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है आईयूपीएसी नेम का तो आप ट्राईक्लोरोमेथेन जान के उसका स्ट्रक्चर लिख सकते हो. मेथेन है मतलब क्या होगा, एक कार्बन होगा और तीन क्लोरीन होंगे, ट्राईक्लोरो है, और बाकी अगर एक कार्बन की जो वैलेंसी है किससे कंप्लीट होगी, हाइड्रोजन से. सो आईयूपीएसी नेम सिस्टमैटिक है, आप नाम पढ़ के ही उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो. बना सकते हैं क्या, अगर मैं एकदम से क्लोरोफॉर्म बोलूँ तो आपके लिए दिक्कत होगी, बट अगर मैं ट्राईक्लोरोमेथेन बोलूँ तो आप इजीली उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो. सो आईयूपीएसी इट इज़ अ मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ नेमिंग. हाँ, पर वो बहुत जल्दी वोलेटाइल है, ठीक है? हाँ, अब ये आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है भाई, पढ़े हैं आप लोग आईयूपीएससी 10th में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, एंड इट इज द सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ नेमिंग. सो दिस इज द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग. जबकि इसमें कोई सिस्टम नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा, पर जब आप मेथेनल सुनोगे तो आप जान जाओगे मेथेनल मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और मेथेन मेथ है मतलब इसमें एक कार्बन है, तो वहां से आप इजीली उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो. हाँ, कॉमन, इसलिए तो कॉमन नेम है ना, इसलिए कॉमन है क्योंकि ज्यादा यूज होता है. अब जनरल रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर. अब हम मेन रूल पढ़ना शुरू करते हैं कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है हमको. तो आईयूपीएसी नेम के तीन पार्ट होते हैं, एक रूट वर्ड होता है, सफिक्स होता है और प्रीफिक्स होता है. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ ट्राईक्लोरोमेथेन, ठीक है, सो ट्राईक्लोरोमेथेन में रूट वर्ड क्या है, मेथ. मेथ इज द रूट वर्ड, ठीक है, दिस इज द रूट वर्ड, RW लिख रही हूँ मैं. एन, जो एन है इट इज सफिक्स, ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, सफिक्स है, और ट्राईक्लोरो यहाँ पर क्या है, प्रीफिक्स है.
ठीक है। सो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रीफिक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है, बट रूट वर्ड और सफिक्स तो होगा ही होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो मेनली इसके तीन पार्ट होते हैं, रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स। सो रूट वर्ड कहाँ से हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन, कि जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन है, ठीक। सो रूट वर्ड बताता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रूट वर्ड्स या पेरेंट चेन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। लाइक अगर वन कार्बन है तो क्या होगा, रूट वर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, मेथ, मेथ से। अगर दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप। आपको आता है अतुल ये कि भूल गए? टेन है तो क्या होगा, टेन है तो डेक, और नाइन है तो नॉन, ठीक है। सो एक कार्बन है तो मेथ होता है, दो कार्बन है तो नंबर ऑफ कार्बन, वन है तो, वन कार्बन एटम है तो मेथ, दो कार्बन एटम है तो एथ, ठीक है, तीन कार्बन है तो प्रोप, फोर कार्बन है तो ब्यूट होता है, फाइव है तो पेंट, है ना, PENT। अगर फाइव कार्बन है तो पेंट, सिक्स है तो हेग्स, सेवन है तो हेप्ट, एट है तो ऑक्ट, नाइन है तो नॉन, और टेन है तो डेक। तो यहाँ तक काम हो जाएगा हमारा, हमको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, ये सब रूट वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या लगेगा हमारा, सफिक्स लगता जाएगा, जो भी सफिक्स है। अगर एल्केन है तो क्या सफिक्स लगता है, एन, एल्कीन है तो इन, और एल्काइन है तो आइन, और एल्कोहल है तो ऑल, है ना। उसमें दो सफिक्स लगते हैं, फिर वो भी बताएंगे, सफिक्स भी दो लगते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स भी होते हैं और सेकेंडरी सफिक्स भी होते हैं। सो ये क्लियर हुआ, रूट वर्ड, है ना, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन हमको रूट वर्ड सेलेक्ट करना है, नॉन सफिक्स। तो सफिक्स जैसे मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। सो प्राइमरी सफिक्स में आते हैं जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे आर प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, लाइक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। सो एल्केन का सफिक्स क्या होगा, आपको पता है, एन होता है, क्या होता है, एन। इसका सफिक्स क्या होता है, इन, और इसका क्या होता है, आइन, ठीक है। सो दीज आर दी सफिक्स, हाँ ये सब प्राइमरी सफिक्स हैं, स्पेलिंग गलत है, प्राइमरी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक अगर इस टाइप का आपके पास कोई एटम, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पहले पेरेंट चेन, उससे हिसाब से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, फोर कार्बन है तो ब्यूट, है ना, दिस इज दी ब्यूट इज द रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद क्या लगाएंगे हम, सफिक्स। तो इसमें ये क्या है, सिंगल चेन है कार्बन कार्बन के बीच, सॉरी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, सिंगल बॉन्ड है मतलब कौन सा है, ये एल्केन है, एल्केन है तो इसमें क्या आ जाएगा, एन, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। सो अगर सिंगल सैचुरेटेड कार्बन्स है तो उसमें एन लगाते हैं, ब्यूटेन इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है। तो दिस इज ऑल रिवीजन इन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज थिंग्स इन क्लास 10th, बट ये एक रिवीजन है ताकि आगे के नाम ईजी हो जाए आपको। अगर एल्कीन है तो फिर कैसा होगा, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ ब्यूटीन हो जाएगा, है ना।
फोर कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट। और ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ठीक है, ऐसे ही आप ब्यूटाइन भी बना सकते हैं। उसका फिर उसका भी नॉमेनक्लेचर बताएंगे आपको, चलो साथ में बताते ही जाते हैं, बता दें अभी। अब ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। अब क्या मैंने बताया था कि दो टाइप के हैं, दूसरा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में जैसे एल्कोहल है, एथेनॉल है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब क्या होंगे, सेकेंडरी सफिक्स में आएंगे। जैसे एल्कोहल है, सो एल्कोहल जो सफिक्स क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑल यूज करते हैं। ठीक है, और इसका दिस इज दी फंक्शनल ग्रुप फॉर OH, एल्कोहल। फिर हमने पढ़ा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, AL, CHO ग्रुप है ना। फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक, क्या होता है, ओइक एसिड। कीटोन्स, कीटोन्स का क्या होता है, ओन। ठीक है, और ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, इसका नॉमेनक्लेचर जो है थोड़ा बहुत इस समय भी पढ़ेंगे हम लोग कैसे लगाना है, और इसका पूरा डिटेल जो है 12th में है नॉमेनक्लेचर। अभी तुम्हारा सिर्फ हाइड्रोकार्बन जो है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसके ही नॉमेनक्लेचर है, पढ़ेंगे इसको भी कीटोन का कैसे करना है। ठीक है, और भी बहुत होते हैं, नाइट्राइल्स ग्रुप भी होता है। ठीक है, नाइट्राइल्स इसमें होगा, नाइट्राइल लगता है और इसका होता है इस तरीके से, दिस इज CN, CN को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल ग्रुप, जब सफिक्स में लगता है तब। कभी कभी ये फिर होता है एक एमाइन ग्रुप, वो सी एन माइनस था क्या, सी एस थ्री सी एन बोल रहे हो, क्या था देखो, क्या पेज नंबर बताओ फिर मैं भी देख लेती हूँ। हाँ, 325 में क्या बोलना था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो सी, हाँ ये सी एन एक फंक्शनल ग्रुप है ना, इसलिए उसको अलग से दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ हाँ उसको दिखाना है आपको यहाँ पर, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है, वो उस अलग पार्ट है, वो जो चेन के कार्बन है उससे थोड़ा अलग है, वो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, एमाइन है, हाँ एमाइन, और इसका होता है माइनस एनएच टू। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके लिए नहीं है, नाइट्राइल्स और एमाइंस, ये शायद आपने 10th में नहीं पढ़ी है ना। सो नाइट्राइल्स ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और एमाइन का क्या है, NH2। ठीक है, तो इसका एक आध एग्जाम्पल मैं बता, सबसे एक एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको। CH3, CH2, 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 CH3, OH, इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या होगा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है इसमें, 5 है, मतलब रूट वर्ड क्या हो गया, पेंट। हर एक कार्बन के बीच क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड है, तो क्या लग जाएगा, पेंटेन। अब इसमें OL है तो ऑल लगाएंगे, इसमें E हटा के क्या लगाएंगे, ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। अच्छा, PNT नहीं हुआ, एक बार इसको मैं अच्छे से बता देती हूँ, रूट वर्ड क्या है इसमें, पेंट है,
ठीक है, प्राइमरी सफिक्स को मैं पी एस लिख रही हूँ, इट इज ए एन ई, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा हमारा ओ एल, ठीक है, अब इन तीनों को हम मिलाएंगे तो हमारा नेम बनेगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसमें ई को हटा देंगे हम, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो एक सफिक्स तो होगा ही होगा और एक रूट वर्ड होगा और किसी किसी में क्या होंगे, सेकेंडरी सफिक्स भी होगा। सो दिस इज द प्राइमरी सफिक्स, दिस वन इज सेकेंडरी सफिक्स पेंटेनॉल। अच्छा सॉरी, ये सी एच टू होगा, यस सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच, हाँ तो अब ठीक है, अब पेंटेनॉल हो जाएगा। हाँ प्रीफिक्स नहीं है अभी इस कंपाउंड में, अगर वो भी होगा तो बताएंगे, अभी तो हम सफिक्स की बात कर रहे हैं ना, सफिक्स के बाद प्रीफिक्स में आएंगे, ठीक है। प्रीफिक्स जो है इनके प्रीफिक्स नहीं लगेंगे, हम देखेंगे हेलोजन जो ग्रुप है उनके प्रीफिक्स लगते हैं। तो ये पहला एग्जांपल एल्कोहल से हो गया, दूसरा हम लोग एल्डिहाइड से ले लेते हैं। सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एच ओ, कितने कार्बन है भाई इसमें, चार कार्बन है, तो क्या होगा इसमें, ब्यूट हमारा क्या हो जाएगा, रूट वर्ड, ठीक है। फर्स्ट प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सब में सिंगल बॉन्ड है, हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा एन, ठीक है। और ये सी एच ओ कौन सा ग्रुप है, अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। सो इसका फाइनली हम नाम लिखेंगे ब्यूटेनल, ई को छोड़ देंगे, ठीक है, अगेन इस ई को ओमिट करके हम लिखेंगे ब्यूटेनल। हाँ उसको भी एड, हाँ हाँ उस कार्बन को भी काउंट करेंगे, बच्चे अक्सर यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ नहीं उस कार्बन उसको भी आपको करना है, काउंट करना है, ठीक है, लिख लिए। सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, तो सी ओ मतलब ये क्या हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है। रूट वर्ड क्या होगा, तीन कार्बन है, मतलब प्रॉप इज दी रूट वर्ड। प्राइमरी सफिक्स सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो एन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ओन, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन, ठीक है, जिसका कॉमन नेम है एसीटोन। क्लियर है इतना। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं, सी एस थ्री सी ओ ओ एच, तो कितने कार्बन है, दो, तो क्या हो जाएगा इसका रूट वर्ड, एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओइक एसिड, सो क्या बन गया पूरा मिला के, एथेनोइक एसिड, ठीक है। वैसे ही आप नाइट्राइल्स का भी लिख सकते हैं, सी एस थ्री सी एच टू सी एन, प्रॉप क्योंकि तीन कार्बन है, एन क्योंकि हर एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सी एन मतलब क्या है, नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें ई हटता नहीं है, ठीक है, बाकी सब में ई हटता है बट इसमें ई नहीं हटता है, तो इसको पूरा ही लिखेंगे हम, ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल पूरा लिखेंगे, ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल, कोई भी आपको गैपिंग नहीं रखनी है, एक साथ लिखना है प्रोपेन नाइट्राइल। वैसे ही एमाइन का नाम भी आप लिख सकते हैं, तो इसमें कितने कार्बन है, सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू, तीन कार्बन है, मतलब प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एन एच टू मतलब एमाइन, तो उसका नाम, इसमें ई को हटाएंगे, सिर्फ एक नाइट्राइल का ही केस था जिसमें हमने ई को रखा था, बाकी सारे केस में हमने ई को ओमिट कर दिया था, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन। क्लियर है, क्लियर। अब हम सफिक्स में आते हैं, ठीक है,
सॉरी प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्सेस दो हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब जैसे साइक्लो है, वो क्या होता है, प्राइमरी होता है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन बोलते हैं ना हम लोग, साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लो इज दी प्राइमरी प्रीफिक्स। तो अगर कोई इस तरीके का ग्रुप है, ठीक है, CH2 CH2 CH2, प्रीफिक्स मतलब सामने आएगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। कितने कार्बन हैं, तीन, और क्योंकि सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब लिखो साइक्लो प्रोपेन, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो प्रोपेन। बस साइक्लो ही आता है, हाँ, सेकेंडरी में बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, जितने भी हेलोजन ग्रुप हैं वो हमेशा प्रीफिक्स में होते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। हाँ, वो तो कॉमन नेम में होता है, फ्लोरो क्लोरो नाइट्रो एल्कोक्सी ग्रुप भी होता है, ओ आर। अच्छा, कहीं कहीं ना सब्स्टिट्यूएंट के नाम में हम आइसो और नियो, टर्शरी, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये भी होता है। ठीक है, तो उसका एक हम अलग लेक्चर लेंगे, ठीक है ना, आइसो, नियो, टर्शरी, सेकेंडरी, वो सबका अलग से लेक्चर लेंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत ईजी हैं, ठीक है, CH3Cl, क्या लिखोगे इसको, क्लोरोमेथेन लिखोगे, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, है ना, कोई भी अगर आपको वर्ड लिखना है तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे, एंड देन सफिक्स लिखेंगे, है ना, पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है, क्लोरो, ठीक है, रूट वर्ड क्या है, मेथ, क्योंकि एक ही कार्बन है और इसमें सैचुरेटेड कार्बन नहीं है, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इसलिए एन लग गया, तो ये क्लोरोमेथेन हो गया इसका नाम। ठीक है ना, वैसे ही CH3CH2Br क्या लिखोगे भाई इसको, ब्रोमोइथेन, है ना, वैसे ही नाइट्रो लगा देंगे, अगर किसी में नाइट्रो लगा हुआ है तो आप नाइट्रो लगा देंगे। क्लियर, अब ये हो गया रूट वर्ड प्रीफिक्स के बाद। अब कुछ एक और इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जिसको अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, वो है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, आपने एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा है, एल्काइन पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे एल्काइल, क्या है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। एल्केन का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, CnH2n+2, बट एल्काइल ग्रुप का जनरल स्ट्रक्चर होता है CnH2n+1, एक कम हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि CH4 में से एक हटा दो तो क्या बन जाएगा, CH3, पर अभी कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए आप सामने में इसमें ऐसा एक डैश लगाओगे, यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज वॉट मिथाइल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मिथाइल। अगर इस तरीके से है C2H5, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल। ठीक है, क्योंकि एल्काइल है तो वहाँ से नाम बना इसका C3H7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइल। अब बता सकते हैं नेक्स्ट ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें नेक्स्ट जो कंपाउंड होगा उसका,
हाँ हाँ ब्यूटाइल का C4H9 क्या हो जाएगा, C4H9 दैट इज ब्यूटाइल, ठीक है। फिर नेक्स्ट का क्या नाम होगा, C5H11 क्या हो जाएगा इसका, पेंटाइल। तो आगे सारे नाम लिख लेना, पेंटाइल, हेक्साइल, ठीक है। एल्काइल ग्रुप को ना हमेशा हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R इज रिप्रेजेंटेड बाय दी एल्काइल ग्रुप। तो आज एक छोटा सा ना आपको मैं नॉमेनक्लेचर एल्केन का शुरू करती हूँ, उसके बाद आइसो नियो पेंटेन जो आप लोग शायद पढ़ते थे टेंथ में ना, आइसो है ना, पढ़े थे ना आइसो नियो टर्शरी टर्ट, ऐसा नाम कभी सुने होंगे पर आप लोगों को पता नहीं सुने हैं कि नहीं, नहीं बोल रहे हैं तो नियो नहीं सुने आप लोग, नियो पेंटेन आपने सुना होगा ना, पेंटिंग आपको एग्जाम में आता था कि पेंटेन के आइसोमर्स लिखो, है ना, तो उसमें आइसो पेंटेन नियो पेंटेन है ना अलग अलग रहता था। तो अभी पढ़ेंगे उसको, है ना, इलेवेंथ में वो सब है आपके। हाँ हाँ, नाम वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं था नाम लिखना, बट रेफरेंसेस में जनरली नाम दे देता था, है ना, एग्जाम में आपको बोर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं थी बट आपको रेफरेंसेस में दिखते थे नाम। ओके सो चलो लिखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, हाँ एल्केन, बाद में एल्कीन वगैरह करेंगे हम लोग, पहले एल्केन से शुरू करते हैं। तो स्ट्रेट चेन एल्केन का नाम लिखने तो आपको आता ही है ना, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, स्ट्रेट चेन एल्केन। क्या नाम होगा इसका, पेंटेन, है ना, पांच कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। कभी कभी आपने ऐसा भी नाम लिखा हुआ देखा होगा, एन पेंटेन, देखा है ऐसा, नहीं टू तो नहीं हो सकता, एन ही हो सकता है, अगर पेंटेन का नाम आया तो एन पेंटेन हो सकता है। क्यों होता है, एन मतलब होता है कि वो स्ट्रेट चेन है, उसमें कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। अगर मैंने एन पेंटेन लिख दिया, ये कॉमन नेम है, एन पेंटेन इज द कॉमन नेम, और जब मैंने एन पेंटेन लिख दिया तो वो पेंटेन स्ट्रेट चेन है, उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो यहाँ पर एन बताता है स्ट्रेट चेन को, ठीक है, एन इज फॉर स्ट्रेट चेन। तो अगर स्ट्रेट चेन है तो एन पेंटेन, एन हेक्सेन, अगर एन हेक्सेन बोलूँ तो मैं क्या होगा, सिंपल एक स्ट्रेट चेन की हेक्सेन होगी, इसमें कहीं भी ब्रांचेस नहीं होंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये स्ट्रेट चेन हो गया, ब्रांच्ड चेन ये आप लोगों ने टेंथ में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मैं एक नेम बता देती हूँ फिर कल कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है। CH3CS सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर CH2CH3, यहाँ पर देखो एक ब्रांचिंग है, ठीक है। तो जब भी ऐसे ब्रांचिंग वाले होते हैं ना, सबसे पहले हमको पेरेंट चेन डिसाइड करना होता है। पेरेंट चेन वो चेन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, कार्बन होंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं ऐसा चेन लेती हूँ तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है, अगर ऐसे ले रही हूँ तो 4 कार्बन है। अगर मैं इस तरीके से लेती हूँ, अगर इन तीनों, इसमें तो 3 कार्बन है, मतलब ये चेन मैं नहीं ले सकती, ठीक है। अगर मैं इधर से लेती हूँ तो भी कितने हैं, 4 कार्बन है। तो जिसमें 4 कार्बन है वही मैक्सिमम है, आप कोई भी ले सकते हो, मैं स्ट्रेट वाला ले रही हूँ क्योंकि उससे मुझे नेमिंग क्या होगी, इजी होगी, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया स्ट्रेट चेन वाली, ठीक है, ये मैंने लिया पेरेंट चेन, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन से जितने भी ब्रांचेज है ना उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, क्या बोलते हैं, ये दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, एंड सब्स्टिट्यूएंट इज द एल्काइल ग्रुप। OH अगर CHO है तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, अगर कोई एल्काइल ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम कैसे होगा, तो सबसे पहले ना पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया हमने, सब्स्टिट्यूएंट देख लिया,
उसके बाद नेक्स्ट है नंबरिंग की। इन कार्बन्स को क्या करना पड़ता है, नंबर देना पड़ता है। कार्बन को नंबर यहाँ से दें कि यहाँ से दें, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम कहाँ से देते हैं, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। यहाँ से देंगे तो सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, पास पड़ेगा। सेकंड कार्बन में ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। तो सेकंड कार्बन में ही मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देती हूँ तो देखो ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री। तो थर्ड कार्बन में मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, इसलिए मैं कौन सा नंबर लूँगी, ये वाला। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको हम पहले लिखेंगे, वो प्रीफिक्स में आएगा। सब्स्टिट्यूएंट किस में आएगा, प्रीफिक्स में। तो CH3 क्या है, अभी आप लिखे हैं, हाँ एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल में कौन सा है, ये मिथाइल है। क्या है, ये मिथाइल है। कौन से नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पे, सेकंड पे है। तो टू मिथाइल, ठीक है। पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, चार। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। ठीक है, और सफिक्स क्या लगेगा, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर हुआ। और हम इसके बारे में अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रांच चेन जो एल्केन है उसके बारे में और डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। इस वीडियो में कोई जस्ट डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।